सरस हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो लुक है वो तो आपको पता है ही चल गया है। मैं हमेशा यही लाइन बोलती हूँ, सॉरी, बट ये चीज आप लोगों को पहले से पता चल जाती है क्योंकि हम थंबनेल में वो चीज डालते हैं ताकि आपको देखो उसको और पसंद करो। सो ये मेकअप मैंने शूट नहीं किया है, लेकिन हाँ सिर्फ आई मेकअप मैंने शूट किया है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ ये शेयर करने के लिए। सो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लाइक आपका जो नॉर्मल बेस है वो बेस रहने दीजिए, आपका ब्लश और हाइलाइटर और लिपस्टिक जो आप नॉर्मली करते हो वो करिए। और मेरे हर वीडियो में मैं कुछ अलग नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ मेरा आई मेकअप ही डिफरेंट रहता है, बिकॉज अपने आपके पूरे फीचर में सब सेम रहता है लेकिन आई इज द ओनली थिंग्स यू कैन प्ले गाइस। सो जैसे कि मैं करती हूँ, सो मैंने इस ये मेकअप करने के लिए मैंने फुल तो वीडियो ट्यूटोरियल इसका शूट नहीं किया है, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा आई मेकअप शूट किया है। अगर आप लोग को वो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अभी भी यहाँ पे भी बता देती हूँ और फिर आप जाकर के मेरा वीडियो क्लिप देख लीजिएगा। सो गाइज इसको मैंने निक्स पैलेट का मैंने दिस कलर ये लिया है, निक्स जो अल्टीमेट पैलेट है ये बहुत ही इजिली आपको नायका में मिल जाएगा। सो या और ज़्यादा महंगा भी नहीं है गाइज, और इसका पिगमेंट भी अच्छा है। सो आपको दिस कलर जो कि थोड़ा ऑरेंज एंड येलोइश मिक्स है, इसको मैंने यहाँ पे पूरा ये कर दिया है। और मैंने पहले से ही लाइनर लगाया था गाइज, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने पहले से ही लाइनर लगाया था तो मुझे खाली इसको अलग लुक देना था। सो मैंने इसको क्या किया, मैंने पहले ये लगाया एंड देन इसके बाद मैंने वाइट लाइनर लगाया, दैट्स इट। वाइट लाइनर लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि अरे ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर उसके बाद आप ब्लैक लगा लीजिए, एक और कोट मार दीजिए एंड देन आप कॉर्नर में हल्का सा शिमर, जैसे मैंने डाला है हल्का सा शिमर और वाइट काजल लगा दीजिए, दैट्स इट गाइस। बहुत ही इजी है, आप लोग इसको कर सकते हो और मेरे जैसा मेकअप लुक पा सकते हो। तो या गाइस, सो अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो देखिए और मुझे बताइए और मुझे कमेंट करिए कि कैसा लगा, और मेरे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव सपोर्ट एंड मेरे वीडियो को ऐसे देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को पसंद आया होगा, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि इसका कोई शूट नहीं किया है मैंने, पूरा जो बेसिक से लेकर के ये रहता है मैंने पहले से ही, मुझे कहीं जाना था तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ट्यूटोरियल शूट कर लेती हूँ ओनली आई मेकअप का। तो सो या मुझे DM करिए, मैसेज करिए और मेरे इंस्टा पे फॉलो करिए, मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए, मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू अगेन, बाय।